आवाज आ रही क्या? हेलो, कल तेरे को काम बोला था यार, तूने किया नहीं। वो गर्मी कम करवाने का। तो ऐड तक क्वेश्चन हो गए थे क्या उसमें अच्छे तरीके से? 8.1 में। और वहाँ पे कितनी हो गई एक्सरसाइज? 7.11 की हो गई क्या खत्म? अच्छा, समीर आवाज आ रही है? तो ऐड तक क्वेश्चन हो गए थे क्या समीर? और रात को कितने बजे तक जागता समीर तू? सर आपकी क्लास होती है तब तो 9 बजे, वरना 8:30 बजे। ठीक है, ये क्या है समीर? अच्छा। और पारस तो कितने बजे तक जागता है? मतलब कभी कभी 12 नहीं बजता है क्या? 12 कभी नहीं होते? देखो, अगर हमारी आंखों में कुछ सपने होंगे कि हमें पता है कि यार अगर मैं पढ़ूंगा 12 बजे तक तो ऐसा होगा, और अजय सर डेली खाल खाते हैं कि 98% प्लस लाना है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो किसी शायर ने कहा था कि घर में मेरे रंगीन फिजा क्यों नहीं आती, घर में मेरे ये रंगीन फिजा क्यों नहीं आती, होकर तेरे आंगन से हवा क्यों नहीं आती। अच्छा, मेरी आंखों में भी कोई जाग रहा है, तभी मैं सोचूं ये नींद भला क्यों नहीं आती। तो अगर आपकी आंखों में आपके माता पिता के सपने होंगे तो नींद कैसे आएगी फिर? 8:30 बजे नींद थोड़ी ना आएगी फिर। मतलब मंडरेला में स्कूल होके भी 8:30 बजे समीर सोचा तो सोता है, और क्लास 12th है तो बहुत ही गलत है वो। तो कम से कम 11 तो बजने चाहिए, कम से कम 11 तो। अब देखो, बेस्ट एग्जांपल क्या है कि वो उस स्कूल में एक लड़की क्लास 9th की, ठीक है, वो क्लास 10th वो पढ़ रही है। अब वो लड़की पिछले 1 महीने से सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रही है और रात को भी 11 बजे तक पढ़ती हो, ठीक है। पहले उसके क्वेश्चन गलत होते थे, आजकल मजा लगे उसका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। कैलकुलेशन भी उसको करनी नहीं पड़ रही है, वो भी सीधे कर रही हो। तो ये पावर है कंसिस्टेंसी की, कि लगातार अगर पढ़ेंगे तो ये पावर है। बाकी जो 10th क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको भी पीछे छोड़ रही है वो। तो लोग उसको, उसके घर वाले उसको पागल समझते थे, और अब वो टॉपर बन रही है धीरे धीरे। तो ऐसे ही बनते हैं। अब देखो 9 का करते हैं। वो ही चीज़ें हैं कि वो कर्व की इक्वेशन लिख देंगे, लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर वापस वो लैंग्वेज लिखनी है। एक ही काम, दूसरा काम ही नहीं इसमें तो। पूरे एंटायर चैप्टर में बस एक ही काम है इसमें। नाइन का देखो क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कौन सा पैराबोला है बताओ? ये कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला। अगर मैं y की वैल्यू 4 रखूँगा तो x की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला हो गया। अब देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या?
वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, अब इनसे जो भी एरिया बनेगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखो आपको पता नहीं कि मैंने कैसे लिखा है y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये तो पता ना आपको, मोड आपको दो वैल्यू देगा प्लस और माइनस वाली, ठीक है। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपने फाइंड कर लिया इसके तो ये कुछ भी नहीं है, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो इस साइड में फाइंड कर देता हूँ, y इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखो पहले y इज इक्वल टू एक्स ले रहे हैं, पहले y इज इक्वल टू एक्स ले रहे हैं, अब देखो ये इसमें रख देंगे हम x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर कोई इसको ऐसे कर देगा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से ये पावर कैंसिल, x इज इक्वल टू वन आ जाएगा, तो ये गलत होगा नहीं होगा बताओ, ये गलत होगा नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो x की दो वैल्यूज आएगी एक नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको इधर ले आएंगे हम, तो ये हो जाएगा x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस वन माइनस एक्स बचेगा ये ज़ीरो, तो x की वैल्यू या तो ज़ीरो और x की वैल्यू यहाँ से वन आ गई। अब देखो ज़ीरो है तो y की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो हो जाएगी, और वन है तो y की वैल्यू भी कितनी होगी, वन होगी, ठीक है। तो दो तो आ गए अपने पास। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो, x कॉमन तो x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू क्या हो गई, या तो ज़ीरो या फिर x की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन हो गई, ठीक है। तो ज़ीरो कॉमा ज़ीरो हो जाएगा एक तो, और x की वैल्यू अगर माइनस वन होगी तो y की वैल्यू क्या होगी बताओ, अगर माइनस वन है तो y की वैल्यू क्या होगी, प्लस वन, ठीक है ना। यहाँ माइनस वन रखेंगे तो ये y की वैल्यू प्लस वन आ गई। अब देखो अपने पास ये भी है y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इससे भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो y की जगह क्या रख दो आप, माइनस एक्स रख दो आप इज इक्वल टू एक्स, तो माइनस एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा ये, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो आ गई, तो x की वैल्यू ज़ीरो, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो एक ये आ गया अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखो सिंपल आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। देखो ये y इज इक्वल टू एक्स और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स, अब ये देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, वन कॉमा वन, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस वन कॉमा वन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। इसको नाम दे देते हैं हम ए, इसको नाम देते हैं हम बी। अब देखो हमें ये वाला चाहिए, इधर देखो इधर एक बार आप, आपको ये वाला चाहिए होगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला चाहिए आपको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं इसको कोई इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं कुछ भी बी, अब ये सी हो गया और ये क्या हो गया, इसको नाम देते हैं हम डी। अब बताओ मैं ओ ए बी ओ फाइंड करके इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा नहीं कर दूंगा बताओ, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल है दोनों, हाँ है ना। तो देखो अब देखो यहाँ से आपको ये वाला फाइंड करना पड़ेगा, तो वर्टिकल स्ट्रिप से करेंगे तो ये नीचे वाला आएगा नहीं आएगा बताओ, और एक आपने क्वेश्चन या फिर एग्जांपल ऐसा किया था कि अगर हमें ये वाला चाहिए तो लाइन वाला, लाइन के नीचे का एरिया जितना है वो फाइंड करके माइनस कर दें क्या, ये जो पैराबोला है इसके नीचे का एरिया, किया था कैसा क्वेश्चन आपने, ठीक है। तो बस वही करना, पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, नाउ एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन है, देखो ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ,
ये क्या आ जाएगा, देखो वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वाई डी एक्स तो होगा ही, वर्टिकल स्ट्रिप में क्या चेंज होता है, एक्स वेरी करता है, ठीक है। अब देखो वाई, अब यहाँ पे वाई जो है वो लाइन की इक्वेशन से आएगा, फिर कर्व की जो पैराबोला की इक्वेशन से आएगा, बताओ वाई एल लिखो या फिर वाई पी लिखो यहाँ पे, वाई एल, देखो ये इसके नीचे का एरिया, तो ये क्या है, देखो लाइन की इक्वेशन है, इसके नीचे का एरिया, तो वाई एल। अब देखो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ, तो जीरो से वन, जीरो से वन, फिर माइनस हो जाएगा वाई पी डी एक्स, ठीक है, तो ये जीरो से कहाँ जा रहा है, वन जा रहा है, ये इक्वेशन नंबर वन। अब मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले को रफ कर रहा हूँ, बताओ समझ में आया कि नहीं आपको ये वाला, यहाँ तक। अब सिंपल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो सिंस, अब देखो वाई एल ये तो हमें सिंपल दे रखा है, तो हम सीधा रख देंगे, ठीक है। इट इम्प्लाइज एल एच एस में ही रहेगा, ज़ीरो टू वन वाई एल, अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो वाई इज़ इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स डी एक्स, माइनस में ज़ीरो टू वन वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इट इम्प्लाइज एल एच एस में वो चलेगा, और ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन में टू, ज़ीरो टू वन, माइनस में एक्स क्यूब अपॉन में थ्री, ज़ीरो टू वन, एल एच एस में चलेगा, ये हो जाएगा वन अपॉन टू, माइनस में ज़ीरो, माइनस में वन अपॉन थ्री, माइनस में ज़ीरो, तो इट इम्प्लाइज ये हो जाएगा वन अपॉन टू, माइनस में वन अपॉन थ्री, तो ये हो जाएगा क्या, वन अपॉन सिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन क्या हो जाएगा, देखो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन, हम यहाँ से ए से चलेंगे, ए, ए से बी, ठीक है, बी से ओ, ठीक है, फिर डी, फिर सी, और फिर ओ, ठीक है, ओ ए बी ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, यहाँ से चलना आपको ओ से चलना है, ओ ओ ए बी ओ डी सी, वापस ओ आ जाना, ठीक है, ओ से चले हम ए की तरफ, फिर वापस ओ की तरफ आ गए, फिर इधर चल रहे हैं, ठीक है, तो टू से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, टू मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, तो क्या हो जाएगा, देखो ये टू इंटू में वन अपॉन सिक्स, तो वन बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स आएगा, समझ आपको ये नाइन्थ वाला। तो नाइन वाला लिखिएगा पूरा, नाइन्थ वाला, अब सॉल्यूशन नंबर टेन, अब सॉल्यूशन नंबर टेन करने से पहले देखो, किसी शायर ने कहा कि पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, नकल पे रख आस, पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, नकल पे रख आस, सो जा बेटा ओढ़ रिझाई, रब करेगा पास। तो आपको नहीं नकल पे आस रखनी है। अब टेन का देखो, सबसे यूनिक क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, टेन का। तो आप जो टेंथ वाला क्वेश्चन है आप उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, क्योंकि सबसे अलग है।
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड लाइन क्या दे रखी है हमें x इज इक्वल टू 4y माइनस में 2। तो पहले तो ये बताओ कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कौन सा कर्व है, बताओ ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए हमें पहले, तो सबसे मेन काम अपना वही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड x इज इक्वल टू 4y माइनस में 2 है, तो यहाँ पे x इज 4y माइनस 2 रख दो आप, तो 4y माइनस में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये कितना हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस में 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16y प्लस में 4 इज इक्वल टू 4y। अब ये कितना हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस में 20y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 कॉमन आ जाएगा इससे, तो 4y स्क्वायर माइनस में 5y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 4y स्क्वायर माइनस में 5y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 4y स्क्वायर माइनस में 4y माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4y कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस 1 माइनस का 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 1 और यहाँ से y की वैल्यू 1 अपॉन 4। अब देखो इसमें आप y की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, y की वैल्यू 1 देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और y की वैल्यू 1 अपॉन 4 देन x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1। ठीक है, तो देख लो आप ये कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आ गए, 2, 1 एंड माइनस 1, 1 अपॉन 4। तो बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको समझ में आया क्या, आपको ये वाला पार्ट। अब देखो इसको देख के आपको डायग्राम सही बनाना, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकली सही बने ना बने लेकिन लॉजिकली वो सही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे है माइनस 1, 1 अपॉन 4, तो वो पॉइंट को यहाँ पे होगा नहीं होगा बताओ, हाँ है ना, होगा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ होगा नहीं होगा वो पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट अपने पास 2, 1, तो x की वैल्यू 2, तो देखो यहाँ माइनस 1 है यहाँ 1 है, तो इससे ऊपर होनी चाहिए यहाँ पे, जैसे मान लिया मैंने, और यहाँ 1 अपॉन 4 है और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 1 है, तो इससे ऊपर ही होगा ये। ठीक है, तो बताओ ये 2, 1, तो बताओ ये लाइन होगी नहीं होगी बताओ x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 की, हाँ है ना, आएगा समझो कोई। अब ये देखो कि हमें इसके नीचे का एरिया फाइंड करना है, अब बताओ ये बताओ कि मैं एक पार्ट को फाइंड करके दूसरों को उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, बताओ उसको, टू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो लाइन क्या है पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ A1 और इसको नाम दे देता हूँ मैं A2। ठीक है, अब ये O00 इसको नाम दे रहा हूँ मैं A, इसको B, इसको C। ठीक है, अब पहले तो ये बताओ B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बताओ B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बताओ B के कोऑर्डिनेट, इस B के कोऑर्डिनेट इसके इस पॉइंट के, कितना जीरो कोमा जीरो कोमा
1/2। अरे ये पॉइंट कहाँ पे, इस लाइन पे लाई कर रहा है, अब इस लाइन पे कर रहा है और इस पे भी कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे को एक्स की वैल्यू पता चल गई 0, तो यहाँ पे रख दो आप 0। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4/2, ये 2/4 1/2 हो जाएगा नहीं वाई की वैल्यू। ठीक है, वैसे हमें वाई के कोऑर्डिनेट से मतलब भी नहीं था कुछ भी। ठीक है, अब ये बताओ पहले हम A1 का फाइंड करेंगे। देखो एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ओ बी सी ओ, अब ब्रैकेट में लिख लेना इसको A1। ठीक है, अब वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करेंगे हम वाई डी एक्स। ठीक है, अब ये देखो इधर देखो इधर अब इधर देखो, पहले हम लाइन के अकॉर्डिंग लाइन के अंडर का एरिया फाइंड करेंगे यहाँ तक का, तो वाई एल डी एक्स हो गए। ठीक है, अब देखो ये कहाँ से कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो -1 से कहाँ जा रहा है ये बताओ, -1 से 0 की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा बताओ, ये लाइन देखो यहाँ से -1 से 0 की तरफ, यस या नो, और इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या वाई पी डी एक्स। अब देखो यहाँ से यहाँ आ रहा है, अभी हमने ऐसा किया था यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये -1 है, -1 से कहाँ पे आ रहा है, 0 की तरफ आ रहा है, -1 से 0। तो बताओ आएगा समझ में आपको ये कैसे लिखा मैंने, समीर तुझे। अब ये इक्वेशन नंबर जैसे 1 है, ठीक है ना, तो देखो सिंस हमें गिवन है क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो इट इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 हो गई। ठीक है, एंड एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस में 2, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई, देखो एक्स प्लस 2 अपॉन में 4। बस वो इक्वेशन नंबर 1 मेरा आपको रखनी है और सोल्व करना, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो पहले ये बताओ कि यहाँ तक जो होना था वो हो चुका है, अब यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ, इसके आगे बस कैलकुलेशन हो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और समीर तेरे को, ठीक है, तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ओ बी सी ओ A1 इज इक्वल टू -1 to 0। अब वाई एल ये लिखोगे आप x प्लस टू अपॉन में फोर डी एक्स माइनस में -1 to 0 एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 डी एक्स। अब LHS में ये चलेगा और ये क्या हो जाएगा 1/4 तो बाहर आ गया, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 2x और लिमिट -1 to 0, फिर माइनस 1/4 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 और -1 to 0। अब देखो LHS में चलेगा 1/4 है ही पहले से ही, अब ये हो जाएगा क्या 0 प्लस 0, फिर माइनस माइनस का -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो ठीक है प्लस में एक माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1/4 0 माइनस माइनस का 1/3, तो देखो क्या हो जाएगा ये 1/4 इंटू में 2 2 जा 4, तो -4 प्लस 3 माइनस का 3 माइनस 3 प्लस माइनस, तो प्लस का 3/2 आ जाएगा, तो फिर माइनस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 है, तो ये हो जाएगा 3/8 माइनस में 1/12, तो LCM लेंगे तो 24, ये आ जाएगा 9 माइनस में 2 7/24
स्क्वायर यूनिट्स, ये इक्वेशन नंबर वन हो जाएगी। अब देखो सेकंड करेंगे हम, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ओ बी ए ओ, ठीक है, और ये ए टू हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देना। अब देखो वाई एल डी एक्स माइनस में वाई पी डी एक्स, अब इसकी लिमिट बता दो कहाँ से कहाँ होगी, बताओ लिमिट दोनों की, इन दोनों की लिमिट जीरो टू टू, जीरो से टू, और वाई पी डी एक्स की जीरो से टू, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर टू हो गई, अब ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एरिया ऑफ रीजन, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ओ बी ए ओ, ठीक है, ए टू, लिमिट भी चेंज कर देता हूँ मैं, ज़ीरो टू टू, ज़ीरो टू टू, ठीक है, ये ज़ीरो टू टू टू। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं हम इसकी, LHS में वो चलेगा वन अपॉन फोर, तो टू का स्क्वायर फोर, फोर बाई टू, प्लस में टू टू ज़ा फोर, फिर माइनस में ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ठीक है, फिर माइनस वन अपॉन फोर है, टू की पावर थ्री एट हो जाएगा, एट बाई थ्री, माइनस में ज़ीरो, तो वन अपॉन फोर इंटू में फोर अपॉन टू, टू प्लस फोर सिक्स हो जाएगा, तो ठीक है, फिर माइनस फोर टू ज़ा एट, तो टू बाई थ्री हो जाएगा ये, और ये टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो ये हो जाएगा क्या, थ्री बाई टू माइनस में टू बाई थ्री, एलसीएम सिक्स आ जाएगा, नाइन माइनस में फोर, तो फाइव अपॉन में सिक्स स्क्वायर यूनिट्स, ये इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन, अब कौन सा रीजन होगा, देखो ओ से चलना स्टार्ट करो आप, ओ सी फिर बी फिर ए फिर वापस ओ पे आ जाओ, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ओ सी बी ओ ए वन, प्लस में एरिया ऑफ रीजन ओ बी ए ओ ब्रैकेट में ए टू, तो सेवन अपॉन में ट्वेंटी फोर, प्लस में फाइव अपॉन में सिक्स, तो ट्वेंटी फोर सेवन प्लस में ट्वेंटी, तो ट्वेंटी सेवन अपॉन में ट्वेंटी फोर, अब इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, नाइन अपॉन में नाइन, नाइन अपॉन एटी तो आएगा ना इसका आंसर, तो कहीं गलती तो नहीं की ना हमने, ठीक है, आगे आप स्क्वायर यूनिट्स लगा देना।